ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सैनिक स्कूल सुजानपुर में एडमिशन के लिए फर्जी कॉल मामले में पुलिस जुटी छानबीन में। हमीरपुर में फर्जी कॉल आने पर अभिभावकों ने बताई सारी बातें। फर्जी कॉल करने वालों की गई रिकॉर्डिंग। अभिभावकों ने फर्जी कॉल मामले में शामिल लोगों को पकड़ने की मांग। हिमाचल के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में बच्चों को एडमिशन करवाने के नाम पर पैसे ऐंठने के मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली से आ रही फर्जी कॉल के बाद अभिभावक भी सहमे हुए हैं। फर्जी कॉल की रिकॉर्डिंग एसटूडे के पास पहुंची है और कुछ अभिभावकों ने फर्जी कॉल की रिकॉर्डिंग भी की है, जिसमें सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं और 4 से 10 अंक बढ़ाने के लिए 10,000 रूपए तक की डिमांड की जा रही है। अभिभावक पूजा ने बताया कि बच्चे के एडमिशन के लिए फर्जी कॉल आई थी, जिसमें पैसे मांगे जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पहले तो लगा कि सच में ही सैनिक स्कूल में कोई कॉल कर रहा है, लेकिन बाद में पैसे की मांग करने पर समझ गए और गुमराह होने से बचे हैं। सर, उनका यही कहना था कि जैसे अब मेरे बेटे ने एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, बट जो कॉल हमें आई उन्होंने यही बोला कि हम यहीं सैनिक स्कूल से ही बोल रहे हैं और आपके बेटे के जो हैं वो 3 या 4 नंबर कम हैं, तो अगर वो आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इतने पैसे दे के ये डील हो सकती है और आपका जो बेटा है वो उसमें रिजल्ट उसका मतलब वो क्लियर कर सकता है उसको। तो मैं चलो हमें तो थोड़ी हम अवेयर थे तो हम इस चीज से बच गए, बट मैं बाकी सभी पेरेंट्स से यही बोलना चाहूंगी कि जैसी ये सभी जो भी फेक कॉल्स आती हैं इन पे विश्वास ना करें और उन पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। दिल्ली साइबर कैफे में काम कर रहे अजय ने बताया कि फोन पर सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए पूछा गया और बच्चों के अंक बढ़ाने के लिए 10,000 रूपए तक की मांग की गई। उन्होंने बताया कि पूरी बात की रिकॉर्डिंग हुई है। वहीं इस मामले में एसपी हमीरपुर अजीत सेन ने कहा कि पुलिस के पास भी इस तरह की शिकायतें पहुंची हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है और पड़ताल कर रही है कि फोन कॉल कहां से आई है। उसमें उन्होंने बोला कि आपका बच्चा जो है वो 4 मार्क से रह रहा है और पासिंग मार्क के लिए 220 चाहिए और आपके 216, तो आप इसको कुछ ले देख के करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। आपने रिकॉर्डिंग की है उसकी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग की हुई है। ये बताया उन्होंने कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ये दिल्ली सेंटर से बताया उन्होंने। तो फिर आपने क्या जवाब दिया उनको? मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और ऐसे ये बोला कि कोई नहीं, बात करके बताते हैं आपको। आपने किस चीज की किन के लिए अप्लाई किया था सैनिक स्कूल में? सैनिक स्कूल एक्चुअली में तो साइबर कैफे मेरा नंबर था उसमें।